आज हम लोग किसके बारे में प्रयोग करने जा रहे हैं? अम्ल क्षार और लवण। ये क्या है? नींबू। हाँ, ये किस कैटेगरी में आता है अजीत? अम्ल के कैटेगरी में। ये क्या है धनंजय? धावन सोडा। धावन सोडा ये किस कैटेगरी में आएगा? क्षार। क्षार, चलो। अच्छा काजल, क्षार ये जो धावन सोडा है इसका सूत्र बता दो बेटा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ ऊपर आप लोग को लगवाया गया है ना, सोडियम कार्बोनेट है ना ये। हाँ, तो यहाँ से आप लोग रोज इसको रिवाइज एक बार कर लेंगे, अम्ल और क्षार के विभिन्न उदाहरणों को। ठीक, तो आज हम लोग अम्ल, क्षार और ये क्या है सौम्या? नमक। नमक किस कैटेगरी में आता है? लवण। चलो साक्षी बताओ, नमक का क्या सूत्र होता है? NaCl। तो चलो, अच्छा ये बताओ, ये हम लोग गुड़हल का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? सूचक के लिए। क्या करता है गुड़हल? सूचक। किसकी सूचना देता है? और छार। हाँ, ये बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। अच्छा तुम लोग मेरे से बताओ, तमन्ना खड़ी हो, ये जो सूचक है इस पे अगर अम्ल डालेंगे, गुड़हल के जिस पे रगड़ेंगे उस पे अम्ल डालेंगे तो किस कलर में आएगा? गुलाबी। और क्षार जब डालेंगे तब किस कलर में आएगा? हरा। वेरी गुड, तो आज हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले सभी लोग अपने पास जो पेपर मिला है उस पर गुड़हल के पंखुड़ी को रगड़िए। सभी लोग गुड़हल के पंखुड़ी को रगड़िए, अच्छे से, अच्छे से सभी लोग रगड़िए। ये देखिए काजल बहुत अच्छे से रगड़ रही है, देखिए ऐसे ही करिए सभी लोग। चलो अब सभी बच्चे नींबू का टुकड़ा उठाइए, सभी लोग नींबू का टुकड़ा उठाइए सभी लोग, और इस पे एक बूंद डालिए, एक बूंद। हाँ बस एक बूंद। बताइए कौन सा कलर आया सोनिया? गुलाबी कलर आ गया। तब ये अम्ल है ना, ये गुड़हल का फूल हमें इसकी सूचना दिया, तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक। सबका गुलाबी रंग आ गया? तमन्ना, सूर्य आपका आ गया ना गुलाबी कलर? हाँ प्रीता, चलो अब सब लोग धावन सोडा ले लेके अपने इस पे प्राकृतिक लिटमस पेपर बनाया ना तुम लोग, इस पे डालो। तमन्ना तुम डाल चुकी हो? हाँ थोड़ा और डालो, थोड़ा देर वेट करो। लो सोनिया तुम भी डालो। देखो ग्रीन कलर आ रहा है ना। यस मैम। क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। अब अम्ल और क्षार के बारे में सबको क्लियर हो गया? यस मैम। और एक लवण का उदाहरण बता दो। नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो सबको अब कंफर्म हो गया ना। यस मैम। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? क्षार कैसा होता है? और लवण खारा कैसा होता है? खारा।